दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे एक हिम्मत न हारने वाली और किसी भी सिचुएशन को डटकर सामना करने वाली एक बेबाक अभिनेत्री व मॉडल और साथ निभाना साथिया की गोपी बहू देवोलीना भट्टाचार्य जी के बारे में। छोटी सी उम्र में ही अपने पिता और छोटे भाई को खोने के बाद भी कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुँचना किसी भी लड़की के लिए इतना आसान नहीं होता है। देवोलीना भट्टाचार्य जी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर अंत तक बने रहें। मेरा नाम सोनी आनंद है और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है। देवोलीना का जन्म 22 अगस्त 1990 को असम में हुआ है। वह एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। देवोलीना के पिता ONGC में वर्कर थे, लेकिन देवोलीना जब छोटी थी तभी साल 1997 में उनके पिता की मृत्यु हो गई और फैमिली में उनके माँ के अलावा दो छोटे भाई थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके सबसे छोटे भाई की भी मृत्यु कुछ सालों बाद हो गई। इस तरह से छोटी उम्र में ही पिता और भाई को खोना और उसका दर्द झेलना देवोलीना के लिए काफी मुश्किल था। फिर उनकी माँ अनिमा भट्टाचार्य ने स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह दो बच्चों का लालन पालन करने लगी। फिलहाल देवोलीना अपनी माँ और भाई अंदीप भट्टाचार्य के साथ मुंबई में रहती हैं। उनकी स्कूलिंग गोधुला ब्राउन मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल शिवसागर असम से हुई है। देवोलीना कॉमर्स से स्नातक कर रखी है, साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग न्यू दिल्ली से ज्वेलरी डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रखी है। ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स करने के बाद देवोलीना ने गिली इंडिया लिमिटेड में एज अ ज्वेलरी डिजाइनर के रूप में काम किया, लेकिन देवोलीना को शुरू से ही डांसिंग और म्यूजिक से काफी ज्यादा लगाव था। वह 6 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीख रही थी और साथ ही साथ वह भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ से क्लासिक म्यूजिक का भी ट्रेनिंग ले चुकी थी। डांस से लगाव और डांस क्लास कर चुके होने के कारण पहली बार साल 2010 में देवोलीना ने डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 2 में पार्टिसिपेट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह ज्यादा नहीं टिक पाई और शो से बाहर हो गई। लेकिन यही से कुछ डायरेक्टर को देवोलीना पसंद आ गई और उन्हें पहला टीवी शो में डेब्यू करने का मौका मिला साल 2011 में टीवी शो सवारे सबके सपने प्रीतो से। इस शो में दर्शकों को उनकी अभिनय तो खूब पसंद आई, लेकिन उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई सीरियल साथ निभाना साथिया। इस सीरियल में देवोलीना ने गोपी बहू के रोल से घर घर में रातों रात छा गई। यह शो 5 सालों तक टीवी पर दिखाई गई थी। इस सीरियल में उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एक दो नहीं बल्कि 5-5 अवार्ड दिए गए थे। टीवी शो के अलावा देवोलीना कई कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा रह चुकी हैं। साथ निभाना साथिया के सेट पर देवोलीना पर उनके को स्टार्स ने उन पर यह इल्जाम लगाया था कि देवोलीना सबसे हमेशा लड़ती रहती हैं। लेकिन देवोलीना ने एक्सक्यूज में यह कहा था कि साथ निभाना साथिया के सेट पर भूत प्रेत का निवास है, जिसके कारण यह सब हो रहा है। साल 2016 में देवोलीना ने अपने को स्टार उत्कर्ष नायक पे यह इल्जाम लगाते हुए पुलिस कंप्लेन की थी कि उन्होंने उनके कुत्ते जुगनू को गायब कर दिया है। इतना ही नहीं, 2018 में उनका नाम मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन राजेश्वर उड़ानी मर्डर केस में भी आया था। इस मर्डर केस में पुलिस ने उनसे कई महीनों तक कड़ी पूछताछ की थी। इतने सारे कंट्रोवर्सी में रहने के बाद देवोलीना साल 2020 में बिग बॉस सीजन 13 में नजर आई। यहाँ पर देवोलीना ने दर्शकों का खूब इंटरटेन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि देवोलीना बिग बॉस के 14 और 15 दोनों सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए दर्शकों को फिर से खूब सारा एंटरटेन करती हुई नजर आई। देवोलीना कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं। अगर उनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो उनकी हाइट 5 फीट 4 इंच है। वहीं उनके आंखों का रंग ब्राउन है और बालों का रंग काला है। ऐसा कहा जा रहा है कि देवोलीना भट्टाचार्य जी साथ निभाना साथिया के को स्टार विशाल सिंह के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको देवोलीना भट्टाचार्य जी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।